दोस्तों हरी वीडियो की तरह होगी आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग मज़ेदार। नहीं किया हमारे चैनल को लाइक तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक, और नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर जो पेपर लगाए जाते हैं वो पेपर किस तरीके से काटा जाता है। तो सबसे पहले उसकी हम एक नाप बना लेते हैं। नाप बनाने के बाद हम उसे इस तरीके से मोड़ते हैं, और सबसे पहले हम उसे चार के आकार में काटते हैं, फिर दो के आकार में, तो दो दो के वन पीस, और उसके बाद सिंगल। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो इस प्रकार से हम इसके पीस काटते हैं, और उसके बाद जो हमारी मोटर होती है उस मोटर में जाकर हम लगा देते हैं। लगाने से पहले कुछ और भी प्रक्रिया हमें करनी होती है। जो प्रक्रिया होती है वह थोड़ी अलग टाइप की होती है। जैसे पेपर काट लिया, उसके बाद सबसे पहले हम मोटर उपाड़ते हैं, तो उसके बाद उसकी सफाई करनी होती है। सफाई करने के बाद पेपर लगाते हैं, पेपर लगाने के बाद उसमें कोयल डाली जाती है, जो उसकी सिंगल कोयल होती है कोयल डाली जाती है। कोयल डालने के बाद उसमें जो कुछ पिच वगैरह होती है उनके बीच में सेपरेटर टाइप ग्रीन पेपर लगाया जाता है, जिससे कि वे एक दूसरे से अलग अलग बनी रहे। उसके बाद कुछ और भी करना होता है हमें, जैसे कि अलग अलग हम पेपर काट देते हैं। पेपर काटने के बाद उसकी पैकिंग पेपर होते हैं जो एक दूसरे कोयल को अलग करने का भी काम करती है, और बहुत सारी चीज़ भी और भी होती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।